और अब बात भारत बांग्लादेश वनडे सीरीज की। आज दोनों टीमों के बीच सीरीज का आखिरी और तीसरा वनडे खेला जाना है। अगर बात करें टीम इंडिया की तो टीम मैदान में साख बचाने के हिसाब से उतरेगी, लेकिन टीम के प्रमुख खिलाड़ी आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, जो टीम के लिए लगातार सिरदर्द बना हुआ है। नायक नहीं खलनायक हूं मैं। जी हाँ, ये टीम के वो खिलाड़ी हैं जो टीम की जीत के नायक हुआ करते थे। वो ही मैच जिताऊ खिलाड़ी टीम के सबसे बड़े खलनायक बन गए। शुरुआत वनडे के ब्रेडमैन कहे जाने वाले विराट कोहली से, जिनके बल्ले को तो मानो सांप सूंघा हो। कभी विरोधी गेंदबाजों की लय बिगाड़ने वाले कोहली आज खुद की फॉर्म से जूझ रहे हैं, ये हम नहीं बल्कि इस बल्लेबाज के आंकड़े बताते हैं। विराट ने पिछले 9 पारियों में सिर्फ 222 रन बटोरे, जो कि इस बल्लेबाज के कद से बिल्कुल उलट से है। वहीं विराट के साथ टीम के ओपनर बल्लेबाज शिखर धवन भी इस वनडे सीरीज में रनों की तलाश में रहे, लेकिन उनकी तलाश बनकर रह गई। वहीं कभी अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाने वाले धोनी के पास तो मानो रनों का अकाल सा पड़ गया हो, क्योंकि धोनी के बल्ले से आखिरी शतक साल 2013 में निकला था और उसके बाद शतक का इंतजार महज एक इंतजार बनकर रह गया। अब बात धोनी की हुई है तो उनके दोस्त रविंद्र जडेजा को कैसे छोड़ा जाए। सर जडेजा की तो कहानी ही अलग है। आपने किसी खिलाड़ी के प्रदर्शन को साल दर साल उबरते देखा होगा, लेकिन जडेजा के साथ कुछ इसका उलट है, क्योंकि अगर कुछ आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो साल 2013 में जडेजा ने 32 विकेट लिए, साल 2014 में 25, वहीं साल 2015 तक आते आते सर जडेजा के विकेटों का आंकड़ा महज 10 रह गया। इस खिलाड़ी के ऑस्ट्रेलिया टूर से शुरू हुआ फ्लॉप प्रदर्शन का सिलसिला अभी भी जारी है और इसी प्रदर्शन ने अब इस खिलाड़ी के टीम में बने रहने पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। अब टीम इंडिया को मीरपुर में अपना आखिरी और तीसरा वनडे खेलना है, जिसमें धोनी के फ्लॉप प्लेइंग 11 अपनी साख बचाने उतरेंगे, क्योंकि अब टीम के पास खोने को कुछ नहीं है। स्पोर्ट्स डेस्क, फर्स्ट इंडिया। तो भारत बांग्लादेश वनडे सीरीज का आखिरी और तीसरा वनडे खेला जाना है और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी प्रशांत के पास। प्रशांत, क्या लगता है आज टीम इंडिया साख बचाने के लिए उतरेगी, क्या कुछ रणनीति रहेगी? वाकई तेज, जब ये वनडे सीरीज शुरू हुई थी किसी ने सोचा नहीं हो था कि धोनी के धुरंधरों का ऐसा हाल होगा कि आज हमको दिखाना पड़ रहा है कि साख पर सवाल आ चुका है अब, क्योंकि दो वनडे में जो टीम का हाल हुआ वो काला दिन कह लीजिए उन दो दिनों को भारत के लिए, और जो पिछला वनडे हारे, जिस तरह से बल्लेबाजों ने प्रदर्शन किया, विराट कोहली से लेकर खुद धोनी, जिनका इतना नाम था, जो खिलाड़ी अपने प्रदर्शन के लिए जाने जाते थे, जो विरोधी गेंदबाजों को पस्त कर देते थे, आज वो खुद ही पस्त हो गए। और अगर आज के मैच की बात करी जाए तो तेज, आज बांग्लादेश के पास इतना अच्छा मौका है क्लीन स्वीप का, सूबड़ा साफ करने का भारतीय टीम का। 3-0 से जिम्बाब्वे को, 5-0 से हराया पाकिस्तान को, 3-0 से हराया, और फिर भारत को आज अगर 3-0 से हरा देती है तो बांग्लादेश तहलका मचा सकती है। वहीं भारत के लिए आज सिर्फ सम्मान, साफ और अपनी नाक बचाने का मौका है, क्योंकि धोनी के धुरंधर हर डिपार्टमेंट में फेल हुए, बल्लेबाजी से लेके गेंदबाजी से लेके फील्डिंग तक सबने निराश किया। जिन खिलाड़ियों से इतनी अपेक्षा थी उन्होंने सब उल्टा करा और भारतीय टीम का बेड़ा गर्क कर दिया, और काले दिन, अगर आज का मैच भी हार जाती है तो ये क्रिकेट के लिए काला दिन होगा, क्योंकि 3-0 से बांग्लादेश जैसी टीम से हार जाती है टीम। और महज 19 साल का वो गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान, जिसका नाम शायद लोग ढंग से नहीं बोल पाते हैं, जिनको पहचाना नहीं जाता था। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत। आज बता दें आपको, टीम इंडिया साख बचाने के लिहाज से उतरेगी और ये उनके प्रदर्शन पर डिपेंड करेगा कि आज वो क्या कुछ करते हैं फील्ड पर। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और प्रदेश की तमाम ताजातरीन खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट www.firstindianews.com पर भी जा सकते हैं, साथ ही अपने एंड्रॉइड फोन से फर्स्ट इंडिया न्यूज के नाम से ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं।